हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजाहत। तो यार भाई साहब, भगवान शिव जी गए तो हैं, लेकिन आपस मारा आगे से कैसा यार कह रहा है, कैसे रास्ता भटक गए, मैं शक्तिशाली हो गया हूँ ये तो वो। लेकिन अब आगे देखते आगे होता है, ऊपर से जलंधर जी को आयुर्वेदा भी मिल चुकी है जो की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो कहानी में कोई ट्विस्ट लग रहा है, अब आगे देखते कौन करते स्टार्ट। देवराज होकर ऐसी बातें करना आपको शोभा नहीं देता स्वामी। राज तो हमेशा ऐसी बातें करते हैं, हमेशा भगवान महादेव के प्रति ऐसे विचार जिन्होंने इनको जिसे सब आप स्वार्थ कह रहे हैं उसी को दुत्कारते उसमें हैं। कितना बड़ा परमात निहित है, कदाचित आप उसे समझना नहीं चाह रहे। देखा, लीलाएं उनकी, ये बस अपनी लगे रहते हैं। अब मैंने गेम अच्छी खेली है, वैसे हम मार लेकिन जो नीति में लिखा हो वही होता है। हाँ, ये सारी लीलाएं यहाँ अगर ये ना होता तो जो मेरा बिका में जहर फिर जहर ही होता है ना खुराम। उसे वहीं रहने दीजिए। ड्रेस बड़ा खूबसूरत है। और ये खुद भी औषधि है, घाव भरने में थोड़ा समय लगेगा। वैसे पीड़ा कुछ कम हुई क्या जलंधर? असुर राज चिकित्सा कक्ष के भीतर सभी रोगी होती हैं। मैं अपने रोगियों को उनके नाम से ही संबोधित करती हूँ। मतलब जिनको ये ठीक करती हैं उनके उपाधि से नहीं। पेशेंट तुम हो कौन? काफी चुलबुली लग रही है। और मैं कहा? स्मरण कीजिए, उत्तर खुद मिल जाएगा। कालनेमी पुत्र वृंदा जान लिया। जलंधर जी नहीं भूलते, कैसे भूल सकते हैं। तो ये श्रेष्ठ असुर काल नेमी का भवन होगा। पहुंच गए भाई, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है, परंतु आपके प्राणों की रक्षा करना किसी भी असुर के लिए बहुत ही गर्व की बात है असुर राज। जलंधर पहले जब जलंधर बोला तो असुर राज, अब असुर राज बोला तो नहीं जलंधर। मुझे ऐसे लोग बड़े जिनकी वजह से बहुत मजा लगा रहा है। उधर तो देना जलंधर और वरिंदा जी ने आंखों का ताल मिल चल रहा है। कहीं यही तो नहीं है निकल लाइफ पार्टनर। आप मुझसे युद्ध करके अपना समय व्यर्थ ना करें है? इस स्वार्थी संसार के लिए। स्वार्थी मतलब ये क्या है? क्योंकि आप मुझे मार तो सकते नहीं। क्यों नहीं? आप मुझे पकड़ सकते हैं। क्यों? मेरा कोई एक रूप नहीं, मेरी पहचान नहीं, मैं तो एक नट की भांति हूँ। एक आत्मा की भांति जो वास्तविक स्वरूप मेरा है। किसी को पता ही नहीं महादेव, किसी को पता ही नहीं। मतलब जिसको पतन जिस तरह से अंधकार होता है ना, अंधकार को पकड़ना संभव कहाँ मतलब है? कुछ भी नहीं है अंधकार जिस तरह होता है। महादेव, महादेव।
इसको बनाने वाले की अच्छा ये देखो कुछ भी नहीं है भगवान शिव जी को चैलेंज करना है फिर मैं किसी देर बैठा बड़ा ही विचित्र घाव है। अस्त्र से ज्यादा उसके विष का प्रभाव स्पष्ट है और मैं देवलोक के इस विष को भली भांति समझती भी हूँ और जानती भी हूँ। देवलोक के विष को अच्छी तरीके से जानती हूँ। देवराज इंद्र ने बहुत ही सोच समझकर ये चाल चली है। इंद्र ने अनुमान यही लगाया था बचेंगे नहीं। कि जैसे ही आपका घाव भरेगा उसके पश्चात आपके शरीर से ये विष नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये नहीं पता और आपके रक्त में ही निरंतर बहते रहने से ये विष आपको मूर्छा अवस्था से कभी उबरने नहीं देगा। अच्छा बताया जा रहा है ये वृंदा ही तुलसी माता है। किंतु इंद्र को असुरों की औषधि ज्ञान पर और विश्वास रखना चाहिए था। शत्रुओं की शक्ति का उचित मूल्यांकन ना करना बहुत बड़ा दोष है, है ना? ये विष आपको अंदर ही अंदर और क्षति पहुंचाएगा। आपकी बुद्धि, आपकी सोच पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। आपको ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा है? आप स्पष्ट रूप से सोच पा रहे हैं? स्मृतिहीनता का आभास तो नहीं है ना? कुछ होने लग गई इनको। हाँ ये देख जाते मार। ये देख 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 देख। ओह नहीं सो जाते हैं। सो सकते हैं। ये देख इनको वोट गहरी नींद में ले गई है। होता है ना यार आयुर्वेदन में सबको इनके पास होते हैं। ऐसी चीज करते हैं जब वो रोज ताकि सुकून इनके दिमाग जिस तरह के इंजेक्शन लगा देते हैं नींद वाले। आ गया होश। देव जी ने तो बड़ी गंदी चाल चली। अगर ये वापस खड़े हो जाते तो इंद्र देव जी का फ्यूचर और भयानक मुझे नजर आ रहा है। वाकई लाला जो उन्होंने पीठ पे वार किया है ना यार के लिए बुरा असर हो यार। इंद्र देव जी हमेशा पीठ पे वार करते हैं हमेशा। ये तो है, ये तो हमने देखा है सामने। देख इंद्र देव जी जब आए थे तो भाई साहब
पता नहीं ये क्या होगा, अभी तो इधर युद्ध का भी लान कर रहा है। हाँ। पहले जब ये युद्ध करते हैं थोड़ा कम जोश में करते हैं, लेकिन अब जब ये युद्ध करेंगे तो पूरे जोर जोश के साथ, कसम से ऐसा वैसा, क्योंकि अब उन्होंने पीठ पीछे वार किया और इनके अंदर जहर छोड़ा है। हाँ। जारी बात है, पहले तो एक बदला लेने का जोश था इनको के माता का, अब इनको मारने का और जोश बढ़ गया उनको। यार मारने का वही तो, क्योंकि अब ये जब खड़े होंगे ना तो उसके बाद फिर देंगे। और ऊपर से भाई साहब वो जो कहता है ना, तो मेरा कुछ है तो ना है भगवान से। हाँ ना, कहता है ना, जिस तरह वो आत्मा होता है, जिस तरह अंधकार होता है, लेकिन इनको नहीं, ये नहीं पता कि किसको चुनौती दे रहे हैं। जिन्होंने इनको बनाया है, भगवान शिव जी को, देवों के देव महादेव को। यार गायब हो रहा है भाई, तभी तो भगवान शिव जी उसको देख रहे हैं भाई, चल इसको जो करना है करने दे पहले। बाकी मैं भी यही बोल रहा था, भगवान शिव जी ने बोला करता है कर ले यार, जब मैं खेलूंगा तो फिर तू खेलने के काबिल नहीं रहेगा। अबे वही तो यार खुरम, लेकिन अब देखते होते हैं क्योंकि ऊपर से भाई साहब जलंधर जी की सिचुएशन काफी खराब है। लेकिन यार अच्छा, कमेंट में बताया जा रहा था ये वृंदा तुलसी माता, अब ये जो वो जो एक होता है तुलसी का जो वो होता था पौधा, क्या यार ये वही है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ये भी। यार ये प्लीज कमेंट सेक्शन में देखा, इनको यूं हाथ भी लगाया तो इनको असर नहीं हुआ, वरना इनकी माता जल रही थी, यूं उनको तकलीफ, याद है तकलीफ हो रही थी, और इन्होंने कैसा यार जलंधर को, और ये जो जख्म भर गया और अंदर से जहर कैसे निकाल रही है। अब ये देखेंगे भाई आगे, अब आगे होता है क्या। तो बाय।